हाय एवरीवन, माय नेम इज शान भसीन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टरोलॉजी। सो गाइस, कल है ट्यूसडे, आज की मार्केट कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। तीन स्टॉक्स हमने दिए थे, एक 8% ऊपर, एक 8% नीचे और दूसरा तो काम भी नहीं करा। और मार्केट डेफिनेटली जो हम लोगों ने लेवल्स ढूंढे थे एग्जैक्टली वहां तक गई है, बट उसके ज्यादा नीचे चली गई थी मार्केट। सो हम लोगों ने पूरे दिन आज ट्रेडिंग को इग्नोर करा और टेलीग्राम पे कुछ सेटअप्स आपको नहीं दिए थे। बट लास्ट में हम लोगों को कुछ ऐसे 5 स्टॉक्स देखने को मिले थे जिसके अंदर हम लोग इस हफ्ते ट्रेड करके चल सकते हैं। उसमें से मैं 3 स्टॉक्स आपको यहां बता रहा हूं, 2 स्टॉक्स आप टेलीग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं। एंड इसके अलावा टेलीग्राम पे हमने ऑलरेडी अपना फ्लैग एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर वर्कशॉप का लिंक डाल दिया है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस सैटरडे एंड संडे हमारा वर्कशॉप होने वाला है और मनी बैक गारंटी है, प्लस आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होगा। और अगर आपको पसंद नहीं आता तो डेफिनेटली आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ। सो गाइस, हम लोग अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है शंकारा। शंकारा बिल्डिंग को अगर आप देखेंगे तो मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ और एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। लेट मी शो यू। अगर आप चेक करेंगे तो बहुत टाइम तक ना ये इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था। आप देख रहे हैं रेड कलर की लाइन है, ऑलमोस्ट दिसंबर 2018 से इसी लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। फाइनली एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया, एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल थी, बट उसके ऊपर जाके इसने अभी तक कोई भी अगली कैंडल ने क्लोजिंग नहीं करी है। सिंपल देखिए, साइकोलॉजी के बेस पे चलेंगे, ठीक है। यहां पर हम देखा एक ब्रेकआउट कैंडल, उसके बाद रीटेस्ट इसने इस कैंडल ने भी करा था, आप देख रहे हैं, बट दोबारा नीचे आ गए। दैट मींस कि यहां पर अभी एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो फेस कर रहा है। आफ्टर दैट एक कंसोलिडेशन फेस के अंदर ये चला गया 6 से 7 महीने तक, और उसके बाद अब एक फाइनल अच्छा ब्रेकआउट और देखने को मिला। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, यार ये तो फॉल्स ब्रेकआउट है बिकॉज रेंज के नीचे चला गया। ये गलत बात है। कोई भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है और वो अगर नीचे आ रहा होता है, चाहे वो अपने रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके नीचे आए, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि एक फिबोनाची होता है जो एक सपोर्ट देने का काम डेफिनेटली कर सकता है। सो एग्जैक्टली 61% पर सपोर्ट लिया और फाइनली जाके एक ब्रेकआउट आया। सो डेफिनेटली गाइस, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर डेफिनेटली चल सकते हैं। अभी करंट प्राइस चल रहा है 577 रुपीज का, ब्रेकआउट आ चुका है और यहाँ पर हम लोग रीटेस्ट का भी वेट करते हैं तो वो 10-12 रुपए है, तो हमें ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं स्टॉक के टारगेट्स की। तो देखिए, स्टॉक का टारगेट डेफिनेटली जो हमने बोला एक प्रीवियस रेजिस्टेंस है जो कि 640 से 650 रुपीस के पास आ रहा है, जहां तक हम अपना स्टॉक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस अभी यहाँ पर हम डिसाइड ज्यादा बढ़िया तरीके से नहीं कर पा रहे। जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो 486 का आ रहा है, बट वहां तक हम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके भी नहीं लेकर जा सकते। तो हम क्या करते हैं, ये स्टॉक मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कल सुबह 9:15 ओपन होने से पहले, और वहां पर मैं आपको स्टॉक के स्टॉप लॉस की एनालिसिस करके आपको दिखा दूंगा एंड वहां पर आपको मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। सो गाइस, हमारा दूसरा स्टॉक है सिनलाइन इंडिया। सिनलाइन इंडिया में अगर आप देखेंगे तो होना डेली टाइम फ्रेम, ये इसके लिए 2018 में एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस हुआ करता था और फाइनली जब उसका एक ब्रेकआउट दिया एट दिस पर्टिकुलर लेवल, उसके बाद एक फॉल आई, अगेन एक ऊपर, अगेन एक फॉल, अगेन एक ऊपर, तो एक कंटिन्यूसली हाई राइज एंड हाई लोज मेंटेन होते रहा। फाइनली हम लोगों ने देखा लास्ट फ्यू मंथ्स पे कि एक बहुत बड़ा अपने लेवल से एक फॉल आया था एंड फॉल आने के बाद इट क्रिएटेड अ सपोर्ट एट दिस पर्टिकुलर लेवल, और उसके बाद जाके अभी आप एक अच्छी मूवमेंट दे रहा है। अगर आप चेक करेंगे, मूवमेंट को चेक करिए, एक अच्छे लेवल से एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक गैप अप, उसके बाद अगेन एक गैप अप, उसके बाद 2 से 3 दिन का हम लोगों को एक कंसोलिडेशन देखने को मिला एंड इस कंसोलिडेशन के बाद दोबारा एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये जो इसके लेवल्स थे, लेट मी शो यू अबाउट दिस लेवल्स, ये देखिएगा इस लेवल्स पे अगर आप देखेंगे, ये पहले सपोर्ट, ये पहले सपोर्ट, ब्रेकडाउन, ये इसके लिए रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, फाइनली उसका लेवल ब्रेकआउट कर दिया। सो अब बीच में कुछ ज्यादा बड़े हर्डल्स नहीं है। अगर मैं मार्केट एनालिसिस, प्रोफाइल एनालिसिस लगाता हूं तो वहां पर हम देख पा रहे हैं कि ज्यादा बड़े जो वॉल्यूम्स थे वो नीचे की साइड थे जो कि कवर अप हो चुके हैं। सो नेक्स्ट टारगेट जो हम मान के चल सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा टारगेट होगा दैट शुड बी अराउंड, फर्स्ट टारगेट इज दिस एंड आवर सेकंड टारगेट इज दिस। तो अभी प्राइस चल रहा है 109 रुपीज का, हम लोग 99 रुपीज का स्टॉप लॉस के साथ 121-127 तक के टारगेट्स के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। बात करते हैं अपने थर्ड स्टॉक की। सो गाइस, हमारा लास्ट एंड थर्ड स्टॉक है गुजरात गैस लिमिटेड। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक बहुत अच्छी मूवमेंट पे कंटिन्यूअस बेसिस पे हायर हाइज एंड हायर लोज मेंटेन कर रहा है, एक अपर चैनल के अंदर है। दैट मींस एक सिंपल टर्म्स में हम लोग समझे, अगर हम लोगों को एक बढ़िया सपोर्ट पे मिलता है, एक बढ़िया लेवल पे मिलता है, तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस स्टॉक बिकॉज इसका जो पास्ट ट्रेंड है वो हमें बता रहे हैं स्टॉक कहीं पर भी पॉज लेता है, डिप लेता है,
तो वहां से एक बड़ी रिकवरी और एक बड़ी रैली हमें देखने को मिलती है। अगर आप चेक करेंगे तो ये इसका एक अच्छा ब्रेकआउट था, उसके बाद इसने रीटेस्ट करा, रिट्रेसमेंट करा, इसका फाइनली ब्रेकआउट दिया, इट गेव अ रीटेस्ट एट दिस लेवल, अगेन इट गेव अ रीटेस्ट, डबल बॉटम क्रिएट करा, एज यू कैन सी इट हियर, इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम और फाइनली ऊपर की तरफ अप मूव दी है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो एक आप देख रहे डब्लू डबल बॉटम का आपको सिनेरियो दिख रहा है, ये एक लेवल है, ये देख रहे ये एक लेवल था जिसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया, अगली कैंडल उसके ऊपर गई, अगेन इट गेव अ रीटेस्ट एट दिस पर्टिकुलर लेवल। और आप अगर चेक करेंगे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम तो ये क्या बना रहा है, एक बुलिश अप मूव के बाद एक फ्लैग पैटर्न। सो डेफिनेटली अगर इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है एट दिस पर्टिकुलर लेवल, लेट मी शो यू एट दिस लेवल, सो एक अच्छे मूवमेंट ये स्टॉक दे सकता है। सो करंट प्राइस चल रहा है इसका 690 रुपीज का, 700 के ऊपर एक बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है और टारगेट्स जो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट मी यूज अ मार्केट प्रोफाइल एनालिसिस कि बीच में कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत तो नहीं है। सो आई थिंक जितनी भी दिक्कतें हैं वो ऑलमोस्ट इसी लेवल के ऊपर खत्म हो रही है। सो हम अपना टारगेट जो मेंटेन कर सकते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा टारगेट होगा दैट शुड बी अराउंड 770 रुपीज का, जो कि 70 रुपए की रैली है जो इजीली हमें मिल सकती है। सो आई थिंक दोनों स्टॉक्स को वॉचलिस्ट के अंदर रखना ही पड़ेगा और एक बढ़िया रिजल्ट्स ये दे सकते हैं। सो गाइस अगर आप लोगों को हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स कि वो भी मार्केट को समझ पाए। ज्यादा मुश्किल नहीं होता, इट्स वेरी सिंपल टू एनालिसिस एनी स्टॉक्स और उस पर ट्रेड लेना। सो आई होप आपको पसंद आ रहा है, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। बढ़ते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। सो गाइस निफ्टी का चार्ट हमने ओपन कर लिया और अच्छा अगर आप देखना चाहें कि मैंने ना आप लोगों के लिए दो वीडियोस बनाई थी जिसपे मैं डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर बात कर रहा था कि इसमें हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकते हैं इन क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, किसी पे भी ट्रेड कर सकते हैं। सो मैं भी ट्रेड नहीं करता हूँ, आपको ऑलरेडी पता है कि मैं बहुत टाइम से 6-7-8 महीने से ऊपर हो गया है कि मैं मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं लेता। बट यस आई वॉज एक्साइटेड टू ट्रेड इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस इन क्रिप्टो करेंसी, तो यस मैंने थोड़े बहुत ट्रेड लिए हैं। आप देख सकते हैं अभी तो अराउंड $50-60 का प्रॉफिट हो रहा है। सो इट जस्ट अ ट्रायल फॉर मी, मैं ज़्यादा हैवी क्वांटिटीज नहीं, मैंने ऑलमोस्ट $600-700 इसके अंदर ऐड करे हुए हैं एंड उसी में से मैं छोटा मोटा ट्रेड लेते रहता हूँ। तो सिंपल है, मैं ज़्यादा हैवी में नहीं कर रहा और मैं आपको भी सलाह नहीं दूंगा बिकॉज दिस मार्केट इज़ वेरी रिस्की। बट आई थिंक अगर आपने मार्केट के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर फ्यूचर ऑप्शंस ट्राई नहीं करा, आई थिंक आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल रखा है, उसके साथ एक कूपन भी ऐड कर रखा है मेरे नाम का, तो अगर आप उसके थ्रू अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इसके जो भी ट्रेडिंग चार्जेस होते हैं 6 महीने तक आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। तो आप चेक कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसी। और अगर आपको नहीं पता कैसे करना है तो ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोज अपलोड करी है, ये वीडियो जैसी खत्म होगी आपको एंड में वो 2 वीडियो शो कर जाएंगे। सो अब हुआ क्या, हमने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी, कंटिन्यूस एक फॉल आ रही थी, एक बहुत बड़ी अप मूव दी, अगेन एक फॉल आया, फॉल आने के बाद इसने क्या करा, एक प्रीवियस अपने लोस को ब्रेक नहीं करा, ठीक है, ये जो इसका प्रीवियस लो था इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं करा, नीचे आया अगेन ऊपर गया बट अपने प्रीवियस हाइस को भी ब्रेकआउट देने में ये कोशिश नहीं कर पाया और एक 3 बार में हम लोगों ने क्लोजिंग देखी है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये लेवल एग्जैक्टली अगर ये लेवल होना क्लोजिंग बेसिस के अंदर बंद हो जाता है, इसके नीचे कोई भी कैंडल अगर बंद हो जाती है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ऑन निफ्टी, सो डेफिनेटली ये मिनिमम टारगेट होगा जो आ सकता है और एक बड़ी फॉल हम दोबारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जब तक ये लेवल सपोर्ट है तब तक हमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। गाइज याद रखना है, ये मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, नीचे अगर विक जाते हैं और ऊपर क्लोजिंग देती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट हमें अलर्ट जरूर रहना पड़ेगा। सो लेट मी ओपन अ 15 मिनट्स टाइम, तो ना 15 मिनट्स टाइम फ्रेम कंटिन्यूस फॉल हमें देखने को मिली हो, यहाँ पर हम लोगों ने पेशेंसली वेट करा बट ये वाली फॉल में हम लोगों ने अपना कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया था। बट अगर आप लोग यहाँ पर चेक करेंगे, हायर आइज एंड हायर लोस, फाइनली इसने अपने प्रीवियस लोस के ऊपर ब्रेक डाउन कर दिया। बट अगर मैं ऑन अर्ली टाइम फ्रेम देखूँ तो उसके नीचे भी इसने कैंडल क्लोज करी है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन के आसपास भी इस लो के नीचे गया, ये जो लो आज इसने क्रिएट करा, अगर इसके नीचे 5 मिनट की भी कैंडल क्लोज होती है तो डेफिनेटली हमारे लिए एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी इनिशिएट हो सकती है और हम लोग अपने टारगेट्स ये और ये लेवल्स के लेकर चल सकते हैं, ऑलमोस्ट 17,000 के लेवल्स लेकर चल सकते हैं। बट याद रखना कि ऑन ओपन इंटरेस्ट 17,000 का जो लेवल है वहां पर अच्छे खास ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिले हैं, बट जैसे ही मार्केट क्लोज होने वाली थी वहां पर 17,000 के जो पुट राइटर्स थे वो भी थोड़ी पोजिशन एग्जिट कर रहे थे और कॉल राइटर्स जो
पोजीशंस बनाने की कोशिश कर रहे थे वो भी एग्जिट कर रहे थे, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद कल का ट्रे न्यूट्रल रह सकता है, मतलब नीचे भी जाए ऊपर भी जाए नीचे भी जाए ऊपर भी जाए, इस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकती है। तो आई थिंक निफ्टी के अंदर अभी हमें ज्यादा ट्रेड नहीं लेने चाहिए, लेट्स फोकस ऑन अ बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी के लिए लेट मी ओपन अ 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, एक ब्रेकआउट अपमूव एंड अगेन एक ब्रेकआउट अगेन एक अपमूव, ये एक की लेवल है जिस लेवल पे ये पॉज ले सकता है बैंक निफ्टी, और ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस करा था। सो व्हाट वी कैन डू, अगर बैंक निफ्टी आता है 37,700 से 37,600 के बीच में, और अगर इस लेवल से एक रिवर्सल देखने को मिलता है, देन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। बट याद रखना, अगर ये इस लेवल तक आता है तो डेफिनेटली हमारी जो निफ्टी है वो भी 70,000 तक आने की कोशिश कर सकती है, और अगर दोनों सेम टाइम पे अपने सपोर्ट में मिलते हैं और एक रिवर्सल दिखता है तो हम लोग बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर बाइंग करेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं एक बार ओपन इंटरेस्ट के डाटा की, बट उससे पहले गाइज वेलकम टू आर द इन्वेस्ट्रोलॉजी वेबसाइट। इस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डाल रखा है, जो भी चीज़ हम लोग प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर रहे हैं सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। प्लीज़ गो थ्रू विद दिस वेबसाइट, कुछ भी आपको लगता है कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर आर वर्कशॉप्स, ये सारे हमारे वर्कशॉप्स हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, या प्लस हम लोग अपना बुलजाए कोई दोबारी स्ट्रैटेजीज लेकर आ चुके हैं जिसके अंदर हम आपको सारी चीज़ें कवर करवाने वाले हैं। ये सर्विस भी हमारी स्टार्ट हो रही है, जो टेलीग्राम से बहुत टाइम तक दे रहे थे, बट हम लोग एक एक्सक्लूसिव टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप क्रिएट दोबारा करा रहे हैं एंड आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वेबसाइट पसंद आए एंड डेफिनेटली चलते हैं ओपन इंटरेस्ट के डाटा की तरफ। सो गाइस, ओपन इंटरेस्ट के डाटा में अगर आप देखेंगे तो सब पुट राइटर्स बिल्कुल गायब हो चुके हैं। जो हैवी पुट राइटर्स की अभी पोजीशन दिख रही है वो 17,900 और 800 पे, तो मान के चल सकते हैं कि 16,970, याद रखिएगा नोट कर लीजिए 16,970 एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी के लिए। इसके अलावा 17,300 पे बड़े कॉल राइटर्स एक्टिव है, 400 पे 500 पे 600 पे 700 पे। याद रखना कल जब मैंने बात करी थी और मैंने आपसे कहा था कि 18,000 पे भी कॉल राइटर्स एक्टिव है, और अगर वो लोग आगे की तरफ शिफ्ट नहीं करते हैं तो मान के चल सकते हैं कि वहां तक भी जाने की प्रोबेबिलिटी है, बट 18,000 के कॉल राइटर्स एक तरीके से गायब ज्यादा हो चुके हैं और उन्होंने पोजीशंस आगे की तरफ शिफ्ट कर ली हैं। दैट मींस कि अब और ऊपर जाना एक एक्सपायरी के लिए ज्यादा मुश्किल है जब तक हमें एक बड़ा गैप अप के साथ एक बड़ी मूवमेंट नहीं दिखती है, वो दिखेगी तो डेफिनेटली कैप्चर करेंगे। बट मेरे हिसाब से कल मार्केट साइडवेज टू बियरिश है, तो उस बेस पे ओपन इंटरेस्ट का डाटा हमें ये शो कर रहा है। बैंक निफ्टी को देखें तो पुट राइटर्स हैवी जो पोजीशन बना के बैठे हुए हैं वो 38,500 पे बना के बैठे हुए हैं। इसके अलावा रिसेंटली 38,000 पे भी हैवी पुट राइटिंग है और एग्जैक्टली उसी लेवल पे क्लोज करा है। सो आई थिंक अगर कल इसी लेवल पे ओपन होता है तो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के दोनों के बीच में एक फाइट होने वाली है, एंड जो आधे घंटे तक सस्टेन करते रहा उसी की मार्केट है। आप देख सकते हैं पुट राइटर्स भी सबसे ज्यादा 38,000 के अंदर एंटर है और कॉल राइटर्स भी उसी के पास है, तो दोनों के बीच में फाइट हो सकती है अगर इसी के लेवल के बीच में खोला 30-40 रुपए ऊपर नीचे। ठीक है, तो याद रखना जो 945 तक सस्टेन कर गए यानी एक बियरिश ट्रेंड या फिर बुलिश ट्रेंड, वो ही पूरे दिन का मार्केट का एंडिंग होने वाली है। ठीक है, अगर बाय चांस 945 पे हम लोग देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी 50 या 100 पॉइंट नीचे गिर गया, तो याद रखना जो क्लोजिंग होगी वो भी नेगेटिव ही होने वाली है, और अगर ऊपर चला गया तो क्लोजिंग भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला, पसंद आया वीडियो, पसंद आई तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन को ओपन करिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स है आप लोगों के लिए, वेबसाइट जाके चेकआउट कर सकते हैं, हमारे वर्कशॉप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, डेफिनेटली गाइस इट्स अ मनी बैक गारंटी, तो इट्स अ रियल लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, आप जो मेरे वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो और डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू विल नॉट रिग्रेट इट। इसके अलावा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं दिस इज अ ट्रेडिंग टर्मिनल, इसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑलरेडी वीडियो दो शो कर गई होंगी, इसको क्लिक करके दोनों वीडियोज को चेकआउट कर सकते हैं। हैव अ वेरी गुड डे गाइस।